दोस्तों ये भाई हमारे मिल गए हैं जापान से हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो, आई एम जापानीज, माय नेम इज यूस्के हसेबे। आई वाज वर्क। दोस्तों ये है डंकर का नजारा, आप लोग देख रहे हो, ये बैली है। दोस्तों हम आ गए हैं डंकर, अंदर जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है डंकर का, अंदर कैसा है, क्या सिचुएशन है। पहले देखते हैं गाड़ी को कहाँ खड़ी कर, सुंदर दिख रहा है ना। ये देखो, ये कुछ ढोलक टाइप का है, ये आपने देखा होगा। ये दोस्तों ये आप जब रास्ते स्काजा के तरफ जाओगे ताबो से, या रास्ते में पड़ता है पुहू गांव, एक छोटा सा गांव है ये, आप देख पा रहे हो इस गांव में किस तरीके से उन्होंने सर्दियों के लिए घास फूस ऊपर अपनी छत पर रख रखे हैं। और ये लिखा हुआ सीधे पुहू विलेज, और ये बस इसमें ज़्यादा घर नहीं है, मुझे लगता है 30 भी घर नहीं होंगे मुश्किल से, तो मैंने रास्ते में रोक लिया। कैसे हो, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार में किस जगह से हो? मोतिहारी से। अच्छा, ये बिहार से भाई, यहाँ क्या करते हैं आप? काम करते हैं। अच्छा, काम कंस्ट्रक्शन का, तो काम चल रहा है। ये सेब है तो मैंने रोक लिया ताकि ये पुहू गांव को भी आपको दिखा दूं कि पुहू गांव कैसा है। ऐसे काम कर रहे हैं बिहार के लेबर हैं यहाँ पर, और ये माहौल है ऐसा। खैनी रगड़ रहे हैं भाई, खैनी। दोस्तों ये जो एरिया पे जो मैं राइड कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधी लिखा है कृपया देखकर चले, आगे पत्थर गिरते हैं। तो भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी इन पहाड़ों पे राइड करें, कभी भी किसी भी टाइम में पत्थर गिर सकता है और आपकी ले सकता है अच्छे से क्या जान। तुम कुछ और समझ रहे थे ना, वो चीज़ नहीं लेने की बात कर रहे हैं, जान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है, और यहाँ से देखोगे तो एक माउंटेन, देखो वाइट से दिख रहा है ना, वाइट वो बर्फ़ है, वो बर्फ़ है। और ये वही अपनी सतलुज नदी चल रही है, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, स्विचलिंग। और ये जो रास्ता जा रहा है इधर की तरफ, ये जा रहा है काजा की तरफ, और जो गेट जो दिख रहा है ये जा रहा है आपको धनकर की तरफ। बाकी आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है, सीधे की तरफ काजा, इधर की तरफ धनकर जा रहा है। तो अभी मैं धनकर पहुँच रहा हूँ, धनकर पहुँच कर मैं आपसे मिलूँगा। दोस्तों ये भाई हमारे मिल गए हैं जापान से हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो, आई एम जापानीज, माई नेम इज यूस्के हसेबे। आई वॉज वर्किंग बट ही हेल्प्स मी, सो नाउ वी कैन गो टू डंकर विद हिम, सो थैंक यू वेरी मच। ये रास्ते से आ रहे थे तकरीबन नीचे, ये डंकर जो है लगभग वहाँ से जो रास्ते से 10 किलोमीटर पड़ता है ऊंचाई पर, उनके सामने देखो कितना वजन है, ये बैग देख रहे हो कितना वजन है। तो ये भाई पैदल चल रहे थे, मैंने इनको लिफ्ट दे दी है, और हमारा डंकर अब अभी बताएंगे कितनी दूर बचा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मैंने इनको लिफ्ट दी है, और हम दोनों पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से, और फिर डंकर दिखाते हैं। डंकर को यहाँ से भी दिखा देंगे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देख पा रहे होंगे जो बिल्डिंग सी दिख रही है सामने, वही डंकर है, वहीं हमको पहुँचना है। और ये आप देखोगे ये रोड बड़ा शानदार है, और ये हमारा भाई, ये जापानीज भाई है, और ये सोलो ट्रैवलर। हाँ दोस्तों ये है डंकर का नजारा, आप लोग देख रहे हो, ये बैली है, ये डंकर है, देखोगे कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है। ये हमारी गाड़ी है,
इस तरीके से ये नजारा भाई, व्यू देखो, व्यू व्यू का मजा लो, व्यू का मजा। ये देखो अपने जैपनीज भाई फोटो शूट कर रहे हैं। ये अब हम आगे पहुंचेंगे डंकर, तब मिलाएंगे आपको। दोस्तों हम आ गए हैं डंकर, अंदर जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है डंकर का, अंदर कैसा है, क्या सिचुएशन है। पहले देखते हैं गाड़ी को कहाँ खड़ी करें, क्या नहीं करें। गाड़ी हम यहीं खड़ी कर देते हैं अपनी। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है, मैंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। और ये देख लो, ऐसा है भाई डंकर, ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी। धूप बहुत तेज पड़ रही है यार, पूरा चेहरा जला दिया है। ये बना हुआ है जिस तरह का, ये हमारे जापानी भाई जो हमने इसको लिफ्ट दी है, हमारे साथ ही हैं अभी। ये डंकर है, ये इसका इस तरह से, ये कुछ इस तरीके से है। ये होटल वगैरह है, तासी का होटल, ये पता नहीं शायद कोई गांव है क्या है, पूछना पड़ेगा। यहाँ ये ऐसे बैली दिखती है, है? ये घर है, ये तासी खास कर कुछ ऐसा है, ये ऐसा लगता है यहाँ से। और ये ना, यहाँ से ऐसा लगता है। तो अब आप देखो, देख लिए होंगे, आगे चलिए मिला से। तो ये कुछ इस तरीके से सुंदर दिख रहा है ना। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है, नीचे जा रहा है, शायद एक गांव है ना। पहले मॉनेस्ट्री विजिट करते हैं, उसके बाद यहाँ मतलब टेम्पल को विजिट करते हैं इसको, उसके बाद कुछ देखेंगे। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये आप देख लो डंकर का, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अंदर कुछ है, दरवाजा लगा रखा है, ये लामा जी की फोटो है, ये ढोलक टाइप का है, ये आपने देखा होगा। ये इस तरीके से बस, और तो कुछ है नहीं अंदर, बस यही सब है। अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, ऊपर क्या है, ये कुछ लिखा हुआ था, असेंबली हॉल डंकर मोनेस्ट्री गोम्पा कंस्ट्रक्टर अंडर विकास मेन जैन सहयोग इनोग्रेशन बाय होलीनेस द फोर्थ दलाई लामा 22 मई 2003 को ये हुआ है ओपन। इसको देखते हैं ओपन करके, सीढ़ियों से ऊपर आए, ये गेट खोल कर देखते हैं क्या है। अंदर कुछ रेसिडेंशियल है,
द ओल्ड मोनेस्ट्री एट धनगर। यहाँ कुछ है तो नहीं, बेसिन लगा हुआ है, टेबल वेबल है, और तो कुछ है नहीं है। चलते हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये केरला के ट्रैवलर है। ये कुछ ऐसा है व्यू। इधर चलते हैं, इधर देख के आते हैं क्या है क्या नहीं।